Hello everyone, I am Param and welcome to my YouTube channel Raman Steno Classes. Last class में हमने S और Z की sound को represent करने के लिए circle for S and Z पढ़ा था. And today's chapter is about stroke S and Z. काफ़ी ऐसे words भी हैं जिनमें S की sound के साथ vowel की placement भी करनी होती है. So ऐसे words को हम circle को use करते हुए नहीं लिख सकते. ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है, ऐसे केसेस में आप स्ट्रोक एस या जेड को यूज करते हो. ओके, कब आपको यूज करना है एंड कैसे यूज करना है? जब भी इनिशियल एस से पहले वॉवल आता है या फाइनल एस के बाद वॉवल आता है. जब भी इनिशियल एस के पहले वॉवल आता है एंड फाइनल एस के बाद वॉवल आता है तब आपको क्या करना है, आपको स्ट्रोक, सिर्फ आपको स्ट्रोक एस या जेड यूज करना है. सर्कल यूज आप नहीं करोगे. ओके, ऐसे वर्ड्स में हम वॉवल की प्लेसमेंट करने के लिए स्ट्रोक की यूसेज करते हैं. किस तरह से, एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमें वर्ड लिखना है एस, इसमें आप देख रहे हैं साउंड एस है एंड उससे पहले वॉवल है. ए वॉवल है, लॉन्ग वॉवल साउंड है, सेकंड प्लेस वॉवल है. इसे हम एस लिखते हुए ए के वॉवल को सेकंड प्लेस पर प्लेस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, और देख लेते हैं. जैसे हमें वर्ड लिखना है से, अब एस के बाद ए की साउंड है, फाइनल एस, इसमें ए की एस है और वो फाइनल भी है एंड इनिशियल भी है, उसके बाद ए की साउंड है. यहाँ पर भी आप स्ट्रोक को यूज़ करते हुए ए की साउंड एस के बाद लगाओगे. और देखते हैं, आपको वर्ड लिखना है आस्क, इसमें भी एस से पहले वॉवल है सो आपको स्ट्रोक यूज करना है अबव द लाइन इस तरह से. ओके, और देख लेते हैं जू, सिमिलर केस विद द जेड. ओके, आपको जेड के केस में भी यही ध्यान रखना है. स्ट्रोक एस या जेड के लिए हम चैप्टर कर रहे हैं. जब भी इनिशियल एस या जेड एंड फाइनल एस या जेड से पहले वॉवल अक्रेंस होगी आपको स्ट्रोक यूज करना है एस या जेड दोनों में से. ओके, हमें लिखना है जू, इस तरह से लिखेंगे. और देख लीजिए, वर्ड लिखना है हमें बिजी, इस तरह से. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फर्स्ट पॉइंट था हमारा जेड एंड एस वाला एंड सेकंड पॉइंट है एस के बाद में डिप्थोंग यूज होने पर भी स्ट्रोक एस को ही यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे हमें वर्ड लिखना है साइंस, यहां पर आई डिप्थोंग हमारा आ रहा है, फर्स्ट प्लेस है. सो जब एस के बाद किसी डिप्थोंग की अक्रेंस आती है तब भी आपको क्या करना है, स्ट्रोक यूज करना है अबव द लाइन एस N एंड S, I यहाँ पर प्लेस करेंगे आप. ओके, इस तरह से. और देख लेते हैं, अगर आपको वर्ड लिखना है sewer, फिर से U का डिप्थोंग आएगा R से पहले बिलो द लाइन S एंड R, U डिप्थोंग को प्लेस करेंगे इस तरह से. ओके, फाइनल एंड लास्ट पॉइंट होगा हमारा, एक पर्टिकुलर साउंड है
OUS, जिन भी वर्ड्स के लास्ट में एंड पर ये साउंड होगा, इस OUS से इमीजिएटली पहले डिप्थोंग भी होगा. ओके, OUS तो होगा ही वर्ड्स के एंड में, बट इस साउंड से इमीजिएटली पहले डिप्थोंग होगा. वहाँ भी आपको क्या करना है, स्ट्रोक S यूज करना है. जैसे हमें वर्ड लिखना है, ले लीजिए आप सीनियर्स, एग्जाम्पल लेते हैं, SINUOUS. आप देख रहे हैं वर्ड के एंड में हमने OUS यूज किया है, तो इससे इमीजिएटली पहले आपका यू का डिप्थोंग है. सो इसे ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको स्ट्रोक एस यूज करना है, सर्कल नहीं यूज करोगे आप. इसे हम किस तरह से लिखेंगे, सर्कल एस एन एंड लास्ट में आपको स्ट्रोक एस यूज करना है, यहाँ पर आप प्लेस करोगे यू को, सीनियर्स. इस तरह से हम लिखते हैं. और ले लीजिए हमें लिखना है टॉर्टॉइस, टॉर्टॉइस, इस तरह से इसे आप लिखेंगे अबव द लाइन टी रे टी एंड एस. इसे इमीजिएटली पहले फिर से डिप्थोंग है. ओके स्टूडेंट्स, सो ये तीनों पॉइंट्स हैं स्ट्रोक एस एंड जेड के केस में आपको ध्यान रखना है. फर्स्टली तो वॉवल की प्लेसमेंट का ध्यान रखना है आपको, इनिशियल एस एंड फाइनल एस से पहले तब आपको स्ट्रोक यूज करना है. सेकेंड पॉइंट में इमीजिएटली एस के बाद जब भी डिप्थोंग यूज होता है तब भी आप स्ट्रोक एस का यूज करते हो, सर्कल एस को यूज नहीं करोगे. एंड फाइनल हमारा पॉइंट है एक पर्टिकुलर साउंड के ऊपर ओ यू एस वाले वर्ड्स जो होंगे, इनसे इमीजिएटली पहले साथ में अगर कोई डिप्थोंग अटैच होकर आता है तब भी आपको स्ट्रोक एस यूज करना है, सर्कल नहीं यूज करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच, गुड लक.